नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम एक वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हम पिछले वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं तो आपको बता दूं कि हम पिछले वीडियोस तक में सारे में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब थोड़ा हम ज़्यादा आगे लेवल के कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और हम एस्केप वेलोसिटी और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो थोड़ा हम अपना स्केल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हम अर्थ, अर्थ की डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी, अर्थ की डेप्थ, अर्थ की हाइट, इन सब से रिलेटेड ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा प्लैनेटरी लेवल और सैटेलाइट लेवल पर ही आएंगे। तो यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि हम सबको ग्रेविटी और अर्थ और मून वगैरह, मास वगैरह, प्लैनेटरी मोशन और इन सब चीज़ों के बारे में तो मज़ा ही आता है पढ़ने में। तो इसीलिए हम ये देखते हैं आगे। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस में आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके जितने भी वेरिएशन होते हैं डेप्थ के कारण, रेडियस में डेप्थ, अंदर ऊपर हाइट के जाने के कारण, सब मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। इसीलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे कुछ हो ना हो आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सब जान लिया था कि कैसे कैसे करना होता है, कैसे यहाँ पर हमारे पास चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आज हम वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम पुराना पुराना ही डिस्कस करते रहें, तो आज हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने आपको बता दिया था कि अर्थ की चेंज कैसे होती है, अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम लोगों ने तीन मोशन के लॉ पढ़े थे और हमने एक तीन करके इसकी डेफिनेशन भी जानी थी, और हमने मोशन की तीन हमने फॉर्मूले जाने थे। मोशन के तीन फॉर्मूलेस क्या थे? वी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे करके हमने एक और जाना था, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, डाउट ना हो कुछ। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और जानी थी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, ये हमने पढ़ लिया था पिछले में। अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यही अगर मोशन कहाँ पर बात होती है, कि ये फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूले एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ एक यहाँ पर डिस्कस होते हैं कि अर्थ के अंडर यानी कि बेसिक मोशन हो रहा है हमारा, कहीं हम इसे फेंक नहीं रहे हैं हवा से, कहीं ना कुछ हो रहा है हमारा जो बेसिक मोशन हो रहा है, ट्रेन का, हमारी गाड़ी का, चलने की कार का, हमारी बाइक का, स्कूटी का, जो भी हमारा मोशन हो रहा है वो बेसिक मोशन होता है काफ़ी। लेकिन यही मोशन अगर अंडर ग्रेविटी आ जाए, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर पहली वाली आप जैसे स्लेट देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन यही चीज़ अगर क्या मिल रहा है आपको कि अंडर द ग्रेविटी आ जाए तो ए की जगह जी आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली प्लस और माइनस, अब देखो जब भी कोई चीज़ टूवर्ड था, जब भी कोई एक जो हमारी चीज़ है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, वो टुवर्ड्स द कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है, तो उसको वो उसे हम कहेंगे कि अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव करती है तब हम उसको वहाँ पर जी की वैल्यू पॉजिटिव लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? पॉजिटिव। और वहीं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अंडर द ग्रेविटी नहीं, अपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है, यानी कि मैंने बॉल ऊपर फेंकी, वही कैच कैच वाला एग्जाम्पल, तो पहले वो तो ऊपर गई ना, फिर उसके नीचे आना स्टार्ट हुई, तो जब नीचे आई तब तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी काम कर रही थी, जो जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, लेकिन जब ऊपर जा रही थी तब तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेके गई। यही डिफरेंस आता है इन सब चीज़ों में। तो ये दो साइन कन्वेंशन छोटे से होते हैं, इसको अब याद रखेंगे। और जैसे कि हमने लिखा कि हमने क्या लिखा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हम इसको लिखेंगे क्या, वी इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी। बेसिकली अंडर द ग्रेविटी होगा तो ये आएगा हमारा, अगर सिंपल मोशन होगा तो ऐसे लिखेंगे हम। अब ये प्लस कब लिखेंगे, जब इन इन टुवर्ड्स द अर्थ एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो बेसिकली इसे हम ऐसे लेके चलते हैं कि ग्रेविटी के फील्ड में, ग्रेविटी के मोशन में, ग्रेविटी के फील्ड में वो कहाँ को मूव कर रहा है। अगर वो फील्ड के अंदर आता जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अगर अवे फ्रॉम द फील्ड जाता जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेकर चलेंगे। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें। यहाँ पर क्या लिखा है उसको देख सकते हैं, जी नियर द अर्थ ऑल द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बिकम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन सिंपल, हमारा जो एक्स मोशन का एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देते हैं। बस यहाँ पर यही चीज़ समझने की थी, इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझने की नहीं है। प्लैनेट्स के बारे में बता रहा है हमको, यही प्लैनेट्स के साथ आप मून के बारे में लिख सकते हैं, मून नेचुरल सेटेलाइट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर पहले प्लैनेट समझते हैं क्या होता है। अ हेवीली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। प्लैनेट बेसिकली क्या होता है, एक हेवीली बॉडी होती है जो कि अराउंड द सन रिवॉल्व करती है। यहाँ पर हम मीटरॉयड एस्ट्रॉयड की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट्स की बात करें तो विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। अब प्लैनेट हमारी गिनती के हैं, कितने हैं वो आप लोग बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ से करते हैं, माइंड माए एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ऐसे बोलते हैं। मर्क्यूरी मार्स अर्थ ये सब हम बोल के चलते, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून जुपिटर जितने भी होते हैं, सेवन होते हैं, उनको हम लेके चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम निकल कर आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि बात होती है सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह की होती है, ये जो होती है नेचुरल सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट जान लेते हैं क्या होता है, नेचर से रिलेटेड है, यानी कि ये प्राकृतिक अपने आप विद इवोल्यूशन ऑफ टाइम किसी की, जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ की सैटेलाइट कौन है? आप कहेंगे सर बहुत सारी सैटेलाइट है अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर तो रोज़ नई सैटेलाइट लॉन्च होती है। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो लॉन्च करते हैं हम सैटेलाइट हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारे और चीज़ों के लिए, तो वो बेसिकली वेदर वगैरह के लिए, तो वो सब चीज़ों की सैटेलाइट होती है, वो हमारी आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट होती है जो हम खुद बना के बेचते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, नेचुरल सैटेलाइट की, तो वो बेसिकली कौन सी होती हैं, जो हमारे मीटरॉयड होते हैं, जो हमारे मून होते हैं, जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट होती हैं उनको मून कहा जाता है, और हम अपने मून को मून ही बोलते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो जो भी रिवॉल्व अराउंड सन, जब बात करूँ जैसे जुपिटर सैटर्न की, सैटर्न के अराउंड एक रिंग है पूरी, तो वो उसके क्या है, मून है सारे, छोटे 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 मीटरॉयड रिंग है वो। तो बेसिकली हम अपने मून को मून ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसी और के मून की बात करें तो उसका नाम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक जुपिटर का, एक सबसे बड़ा एक मून है, उसको हम बोलते हैं टाइटन। तो ऐसे करके हम होता है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। टाइटन की लड़ाई भी हुई थी, अगर आपने देखी होगी एवेंजर्स, तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ना, हाँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, उसने स्टोन दे दिया था। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो बेसिकली वो मैं बोल सकता हूँ कि वो सैटर्न का, जब थैनोस ने अपना ऐसे करके मारा था वो, तो सैटर्न की रिंग टूट के आ रही थी सारी, उसने टाइटन पे लड़ाई हो रही थी उसकी, तो आपस में जितने भी उसके मून थे वो सब आके उस पर गिर रहे थे। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी, क्या होता है ये हैवीली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखो हमारा एक सन है बीच में, ठीक है, उसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारी अर्थ हो गई, प्लैनेट के अराउंड नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोनों रिवॉल्व कर रही हैं। ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अपने अराउंड रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, मतलब अपनी अक्ष पर घूम भी रही है, अपने एक्सिस पर घूम भी रही है, और साथ ही साथ वो रिवॉल्व भी कर रही है, इस मोशन में भी आ रही है वो, और साथ ही साथ ऐसे खुद ब खुद भी घूम रही है, ऐसा करके एक मोशन दे रही है, ऐसा करके एक मोशन, ऐसा करके एक मोशन दे रही है। तो ये दोनों ही मोशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारी निकल कर आती है। अब इसके बाद हम और क्या बातें जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी। चलिए आप एक बात बताइए मेरे को, ये बात आप घर से पूछ के आएंगे, आप जहाँ से भी होगा पता करके आएंगे, फिर मेरे को कॉमेंट करेंगे, तो मैं तो आपको 10 सेकंड बाद बता ही दूंगा। तो कि आप ये बताइए, हम जितनी इतनी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लगभग अगर गिनती से देखा जाए तो रोज़ के रोज़ हर अगले दिन कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होती ही होती है, कहीं ना कहीं कोई। अब तो प्राइवेट कंपनियाँ भी आ गई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर गवर्नमेंट ही लॉन्च करती है, तो प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है तो वर्जिन ये करके एक एयरलाइन कह रहा हूँ, वर्जिन एयरलाइन भी है वैसे, और मोबाइल नेटवर्क भी है साथ में, वो अपने सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। जैसे कि हमारे इलोन मस्क की एक है स्पेस एक्स, वो लॉन्च करता है, ब्लू ओरिजिन है वो लॉन्च करता है, हमारी इसरो, हमारी इंडियन इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, अग्निरूट ऐसे, गुरुकुल, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि बन चुके हैं इंडिजिनियस स्टार्टअप हमारे इंडिया के खुद के स्पेस प्रोग्राम से। तो वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आके रिवॉल्व करती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनका काम हमारे बंद हो जाता है।
तब जब काम बंद हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसे हटाएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम पड़ जाएंगे फिशिंग करेंगे उनकी, जैसे हम मछलियों को पकड़ते हैं वैसे हम स्पेस में जाके एक कांटा डालेंगे आके बच जाएगी तो हम खींच के ले आएंगे। ये सब काम अर्थ में नहीं, अर्थ के बाहर नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मतलब कोई सेटेलाइट अगर आपने लॉन्च कर दी, इसलिए हम डिब्री की बात करते हैं, उस डिब्री को हम कैच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रही है, तो हम उसे कैच करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें करनी ही नहीं चाहिए डिब्री। जाने की बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हम कोई अर्थ सेटेलाइट, सेटेलाइट को हमने ऐसे ही अबैंडन छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद वो टूट गई, कुछ हो गया, मीटर टकरा गया उससे, तो वो टूटने के बाद उसके टुकड़े जो है वो आपस में घूमते रहते हैं। अब घूमते घूमते सोचो वो ISS से टकरा जाए, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट होगा, उनकी जान तो खतरे में आ जाएगी। या और कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रूशियल सेटेलाइट है, मान लो कोई हमारी अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है जो कि हमारी आर्मी की आंख नाक कान है, तो अब बेसिकली मान सोचो कि कोई डिब्री आके उससे टकरा गई और जिसके कारण वो टूट गई, तो हमारी अर्थ हमारी जो सेट हमारी सेटेलाइट तो गई अब वो वाली, जिसके कारण हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कितना खतरा आ जाएगा। और मान लो हमारा कोई बहुत एक इंफॉर्मेंट सेटेलाइट है, मान लो गूगल मैप्स पर आ गया, तो सोचो अगर उससे के कंपटीशन के साथ तुम्हारा कुछ हमको नहीं मिला तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लोगों को एक दूसरे की जगह जाने में आने में, तो ये कुछ दिक्कतें वाली बात होती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई सैटेलाइट बहुत पुरानी हो जाती है और अपने ऑर्बिट से हटाना होता है, तब उसको एक निश्चित वेलोसिटी प्रोवाइड करवा देते हैं जिसको हम बोलते हैं कि एस्केप वेलोसिटी। इस एस्केप वेलोसिटी को प्रोवाइड करवाते ही वो जो सैटेलाइट है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी है, वो क्या करता है, वो इन्फिनिटी में चला जाता है बेसिकली। वो मतलब बिल्कुल ही आप जी समझिए, मैंने आपको इतनी तेज़ फेंका कि आप अर्थ की उससे बाहर चले गए, अर्थ की फील्ड से बाहर चले गए और आप बिल्कुल स्पेस में जाके आप घूमने लगे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रहा है, मैंने इतनी तेज़ उसमें स्पीड लगाई, इतनी तेज़ मैंने उस पर फोर्स लगाया कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर जाके गिर गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप समझने वाली होती हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सही कोर्स है आपके लिए और जितने भी आपकी बेसिक नीड है वो सारी कंप्लीट कराता है। बेसिक नीड के संग आपको एडवांस भी करवाएगा थोड़ा सा कि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि टाइम के संग हमारा जो सिलेबस है वो बढ़ता जा रहा है और सिलेबस के साथ साथ जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आपको हर तरह के उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।